गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ में आज हम सब्जेक्ट संस्कृत में लेसन एट पढ़ते हैं। लेसन एट पेज नंबर 35 ओपन करेंगे। लेसन का नाम है अभिनव किम किम करोति, अभिनव क्या क्या करता है। इसमें पिक्चर में दिखा रखा कि अभिनव सुबह उठ रहा है सबसे पहले, और उठकर वो फिर क्या क्या करेगा यह सब आज हम पढ़ेंगे। ऐसे है अभिनव अस्ति, ऐसे का मीनिंग होता है यह है। अभिनव, अभिनव अस्ति है, यह अभिनव है। अभिनव प्रातः काले शीघ्रम उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति का मतलब होता है उठता है। अभिनव सुबह जल्दी उठता है। प्रातः उत्थाय, सुबह उठकर सह वह उद्याने बगीचे में भ्रमती धावती च, घूमता और दौड़ता है। च हमेशा लिखा बाद में जाता है और उसका मीनिंग पहले लिया जाता है। भ्रमणम कृत्वा, घूम करके, कृत्वा मतलब करके, गृहम घर आगस्ति आ जाता है। दंत धावनम करोति, दातुन करता है यानी कि ब्रश करता है। स्नानम करोति और नहाता है, स्नान करता है। फलानी खादती, दुग्धम च पीबती, फल खाता है और दूध पीता है, यानी कि नाश्ते में वो क्या करता है, फ्रूट खाता है और दूध पीता है। आप सब भी दूध पिया करो, दूध पीना बच्चों के लिए, उसमें कैल्शियम होता है, बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 36 से। बस यानी विद्यालय गच्छति, वह बस से विद्यालय जाता है। विद्यालय सर्वप्रथम इस प्रार्थना नाम करोति, विद्यालय में सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना करता है यानी कि प्रेयर करता है। यज्ञम करोति, यज्ञ करता है, हवन करता है। हमारे स्कूल में भी डेली प्रार्थना होती है और यज्ञ जब होता है तो आप लोग भी उसमें बैठते हैं। सह वह मित्री, मित्रों के सह साथ विद्यालय पढ़ती लिखती क्रीड़ती च, वह मित्रों के साथ विद्यालय में पढ़ता है, लिखती लिखता है, क्रीड़ती च और खेलता है। एक वादने अवकाश भवति, एक बजे अवकाश होता है यानी कि छुट्टी हो जाती है। जैसे हमारे स्कूल की 2 बजे होती है तो उसके स्कूल की 1 बजे छुट्टी हो जाती है। से वह गृहम आगस्ति, वह घर आता है। भोजनम करोति, भोजन करता है। शयनम च करोति और सो जाता है, शयनम का मतलब होता है सो जाना। सायकाले क्रीड़ति, गृह कार्यम च करोति, शाम के समय खेलता है और गृह कार्य करता। गृह कार्य कौन सा, जो स्कूल में मैम ने होमवर्क दिया था उस काम को करता है। रात्रो भोजनम करोति, रात को भोजन करता है यानी कि भोजन खाता है। उद्याने स्नेह स्नेह भ्रमति, बगीचे में धीरे धीरे घूमता है। फिर से रात को दंत धावनम करोति, दातुन करता है। 10 वादने शयनम करोति और 10 बजे सो जाता है। हमें भी अभिनव की तरह टाइम पर सो जाना चाहिए ताकि सुबह हम समय पर उठ सकें। बाकी कल करेंगे। थैंक यू।